वारंट निर्गत किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए और ट्रायल चलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। श्री रामानंद यादव ने पिछले दिनों मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम रहते हुए मैंने पटना के सब्जी बाग और लोधीपुर के इलाके के अंदर क्रिश्चियंस की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाकर खेतान मार्केट एवं लोधीपुर मॉल का निर्माण करवाया। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है। श्री रामानंद यादव ने आज तक अपने आरोप के पक्ष में न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, न कोई दस्तावेज रखा, न ही उन्होंने माफ़ी मांगी। और ये एक साजिश थी मेरी छवि को समाज में खराब करने की, और इसलिए मैंने सीजीएम कोर्ट में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको, बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव पर सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से मानहानि का मुकदमा किया है। जिस प्रकार से रामानंद यादव ने सुशील कुमार मोदी के ऊपर ये आरोप लगाया था कि उनके नाम से चर्च के जो जमीन है वो उन्होंने लिया था, और साथ ही साथ जो इस मॉल की वो बात कर रहे थे वो मॉल मेरा नहीं था। सुशील कुमार मोदी ने इस बात को पहले भी कहा था, और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से रामानंद यादव ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था और उसके बाद एक महीने बीत चुके हैं, उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है, जिसके बाद हमने जो है वो कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया है। इससे पहले उन्होंने मनोज झा और चितरंजन गगन पर भी जो कहा जाए कि मानहानि का मुकदमा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने मनोज झा और जो चितरंजन गगन है उनको बुलाया था, और साथ ही साथ आज जो है बिहार सरकार के मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग के हैं रामानंद यादव, उनके ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा सुशील कुमार मोदी ने किया है। जिस प्रकार से चर्च के जमीन हड़पने की बात रामानंद यादव ने सुशील कुमार मोदी के ऊपर आरोप लगाया था और एक महीने बीत गए, अब तक कोई साक्ष्य नहीं देने के बाद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमारी जो छवि है वो खराब करने के लिए इस तरह की बातें कही गई थी, लेकिन हम इसको लेकर उन्होंने मुकदमा किया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि जब उन्होंने आरोप लगाया था उस वक्त हमने इस बात को भी कहा था कि अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई, अगर हमने किसी का जमीन लिया है, चर्च का अगर हमने जमीन लिया है, तो वो प्रमाण दे दे, हम पूरा मॉल सहित वो जमीन लालू परिवार को गिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब अभी तक एक महीने बीत गए उसके बावजूद भी जो है वो कोई साक्ष्य नहीं दिया गया, उसके बाद हमने कोर्ट में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं रामानंद यादव उनके खिलाफ जो है वो समन जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से चितरंजन गगर और मनोज झा को भी कोर्ट ने बुलाया था, और अब जो है बिहार सरकार के मंत्री आरजेडी कोटे से आते हैं रामानंद यादव, उनके ऊपर सुशील कुमार मोदी ने जो है मानहानि का मुकदमा किया है। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने उसके बाद मुकदमा करने के बाद क्या कुछ कहा है और किस तरीके से रामानंद यादव के ऊपर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा है, सुनिए उनके पूरे बयान। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री रामानंद यादव के विरुद्ध मेरे वकील के द्वारा पटना के सीजीएम कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मैंने कोर्ट से आग्रह किया है कि श्री रामानंद यादव के खिलाफ वारंट निर्गत किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए और ट्रायल चलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। श्री रामानंद यादव ने पिछले दिनों मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम रहते हुए मैंने पटना के सब्जी बाग और लोधीपुर के इलाके के अंदर क्रिश्चियंस की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाकर खेतान मार्केट एवं लोधीपुर मॉल का निर्माण करवाया। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है। श्री रामानंद यादव ने आज तक अपने आरोप के पक्ष में न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, न कोई दस्तावेज रखा, न ही उन्होंने माफ़ी मांगी, और ये एक साजिश थी मेरी छवि को समाज में खराब करने की, और इसलिए मैंने सीजीएम कोर्ट में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पिछले दिनों श्री मनोज झा और श्री चितरंजन गगन ने भी इसी प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए थे, उन पर भी मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। पिछले दिनों पटना के सीजीएम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए उन पर उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। तो अगर रामानंद यादव अगर हिम्मत है तो कागज प्रस्तुत करें, इस मॉल से मेरा दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, और मैंने पहले भी घोषणा की थी कि अगर ये मॉल से मेरा कोई भी संबंध होगा तो मैं पूरा का पूरा मॉल उसकी जमीन सहित लालू परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन आज लगभग एक महीना हो गया, आज तक ना वो कोई दस्तावेज ना कोई प्रमाण प्रस्तुत कर पाए, और इसलिए उनके विरुद्ध ये मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है।